रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। उपचुनाव के लिए कांग्रेस नेताओं ने नेता नगरी की दौड़ शुरू कर दी है। इसी कड़ी में राजनांदगांव जिले के नेताओं ने रायपुर दक्षिण से टिकट की दावेदारी पेश करते हुए प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट और पीसीसी चीफ दीपक बैज से मुलाकात की है। उनकी डिमांड है कि रायपुर दक्षिण से उनके नेता को चुनावी मैदान में उतारा जाए। मिली जानकारी के अनुसार राजनांदगांव के कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट और पीसीसी चीफ दीपक बैज से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने राजनांदगांव के कांग्रेस नेता आफताब अहमद का रायपुर दक्षिण से उम्मीदवार बनाने की मांग की है। राजनांदगांव के कांग्रेस नेताओं का कहना है कि कांग्रेस ने 3 बार राजनांदगांव में बाहरी प्रत्याशी उतारे हैं और राजनांदगांव के नेताओं को रायपुर दक्षिण सीट से चुनाव लड़ने का मौका दिया जाए। बता दें कि रायपुर दक्षिण सीट पर करीब 3 दशक से ज्यादा समय से भाजपा का कब्जा रहा है। यहां से बृजमोहन अग्रवाल विधायक चुनकर आते थे। पिछले चुनाव में भी जनता ने बृजमोहन अग्रवाल को ही अपना नेता चुना था। उनके खिलाफ कांग्रेस ने महंत रामसुंदर दास को चुनावी मैदान में उतारा था। हालांकि लोकसभा चुनाव में जीतकर सांसद बनने के बाद बृजमोहन अग्रवाल ने विधायकी से इस्तीफा दे दिया। अब इस सीट पर उपचुनाव होना है। देखने वाली बात तो ये होगी कि कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियां किसे रायपुर दक्षिण विधानसभा के मैदान पर उतारेगी। तो आपको क्या लगता है, रायपुर दक्षिण की सीट से किसे उम्मीदवार बनाना चाहिए, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल खबर विभाग को सब्सक्राइब करना ना भूलें।